ये लहसुन है, 12 से 13 लहसुन लेना है आपको। यह एक कटी प्याज है, ये 1.5 टमाटर है, आपको इसको काट लेना है इसको पीसने के लिए। ये काली मिर्च पाउडर है 1/2 चम्मच। ये सरसों है 4 चम्मच। ये गरम मसाला है 1 चम्मच। ये लाल मिर्च है 3। धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच। अब लहसुन को मिक्सी में डालेंगे, लहसुन और सरसों का पेस्ट बना लेंगे। सरसों को भी मिक्सी में डालेंगे और लाल मिर्च को भी मिक्सी में डालेंगे। अब इसको पेस्ट बनाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं लहसुन, सरसों और मिर्चा का पेस्ट रेडी है। अब आप देख सकते हैं लहसुन, सरसों और मिर्चा का पेस्ट मैंने कटोरी में निकाल लिया है। अब हम कटी हुई टमाटर को मिक्सी में डालेंगे। अब इस कटी हुई टमाटर के साथ हम प्याज भी डालेंगे। अब हम इसे पीस देंगे। ये प्याज और टमाटर की पेस्ट तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं 1 केजी मछली है। अब इसको धोने जा रहे हैं। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। अब इसको मिला देंगे। अब इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको फ्राई करना है। अब तेल गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम मछली डालेंगे। अब ये दूसरी मछली डाल रहे हैं। अब हम इसे फ्राई होने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। अब हम मछली को पलट देंगे और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं मछली पूरा लाल हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये भी आप देख सकते हैं मछली पूरा लाल हो चुका है। अब हम इसे निकाल के इसमें रख देंगे। अब हम लोग फिर से इसी तरह सारी मछली को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारी मछली को तल के निकाल लिया है, पूरा लाल लाल फ्राई कर दिया है। अब इसमें हम लोग लहसुन, सरसों और मिर्चा का पेस्ट डाल दें। अब इसमें हम लोग प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल दें। आप देख सकते हैं मसाला पूरा तेल छोड़ दिया है, मतलब पूरा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें और सारे मसाले डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं।
इसमें काली मिर्च डाल रहे, काली मिर्च का पाउडर डाल रहे, इसमें धनिया पाउडर डाल रहे। अब हम इसे मिला देंगे, पूरे अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर इसे वेट करेंगे जब तक ये तेल छोड़ दे, इसे पूरा मसाला को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पूरा मसाला पक गया, इसमें से तेल छोड़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें पानी डालेंगे एक कटोरी, इसको मिला देंगे। देख सकते हैं अब इसमें मछली सारा डाल देंगे, और इसके बाद इसमें हम लोग नमक डालेंगे। अब हम लोग नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसे मिला देंगे। अब हम इसे थोड़ा देर पकने देंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मछली पक गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे।